भैया गर्मी लग रही है लगे थी लगे थी। बताओ भैया आप ए सी मुंह देखे खड़े गर्मी लग रही है गर्मी बहुत है इसलिए गर्मी बहुत है लग रही सर्दी मेरे पतले होने की दवाई बन रही है इवन दो मुझे पतले नहीं होना स्टिल ट्राइंग मुझे बहुत गर्मी लग रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हो पसीना पूछते हो और किसको किसको गर्मी लग रही है मम्मा गर्मी लग रही है यस yes. हाँ huh? yes गर्मी है ना बहुत ज्यादा आज सबसे ज्यादा गर्म दिन लग रहा है मुझे वैसे अभी बाईस तारीख को है ना सबसे गर्म दिन huh? बहुत ज्यादा गर्मी है चलो आप इन्जॉय करो बाहर गार्डन में <laughs> तो जैसे कि मैंने आप सबको अपने घर वालों से बात करवाई उन सबको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी है भी मैं कभी भी घर पे स्लीवलेस ऐसे लाइक नहीं पहनती हूँ यूजली घर पे नहीं पहनती हूँ लेकिन आज मैंने इसलिए पहने है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में कुछ लोग बोलते हैं इक्कीस तारीख को कुछ लोग बाईस तारीख को बोलते हैं बोलते हैं कि बाईस तारीख सबसे ज्यादा गर्म दिन होता है तो मैंने अरे कुछ चमक रहा है ना वहां पीछे पता नहीं वो क्या है <laughs> तो कुछ लोग कहते हैं कि बाईस तारीख को सबसे ज्यादा गर्म दिन होता है लेकिन मुझे लग रहा है आज सबसे गर्म दिन है क्योंकि देखो हल्का सा भी बाहर जाओ और बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है तो आप लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स बताना चाहती हो कि आप क्या कर सकते हो बोलते बोलते गर्मी लगी है। कि आप लोग क्या कर सकते हो गर्मी से बचने के लिए सबसे पहली चीज अगर तो आपके घर पे एसी है प्लीज भगवान जी का शुक्रिया करो कि तुम्हारे पास एसी चीज है एसी नाम की चीज है अगर तुम्हारे घर पे कूलर है भगवान जी का शुक्रिया करो तुम्हारे पास एसी है कूलर है लाइट है और छत है उन लोगों का क्या होगा जो अभी बाहर है और ये दो तीन दिन इतने ज्यादा गर्म होने वाले हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूं सारी बॉडी पसीने से आई डोंट नो आप लोग शायद नहीं अच्छे से देख पा रहे लेकिन मैं पूरी भीग रही हूं अभी पसीने से एंड uh, सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हो दही लस्सी स्टॉक करके रख लो अगर आप दूध को थोड़ा पतला करते हो ना उसमें थोड़ा नमक मिर्च डालते हो नमक मसाला थोड़ा सा तो वो कच्ची लस्सी बन जाती है पंजाब में बहुत पॉपुलर है उन्होंने आप पीते हो कि नहीं पीते आपको पता कि नहीं कच्ची लस्सी पियो बहुत ज्यादा पियो नींबू पानी पियो दिन में दो बार पियो कच्ची लस्सी पियो सिंपल जो छाछ होती है लस्सी होती है वो पीते रहो पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए भी हमेशा अपने पास कोई चीज मीठी रखो ठंडा कुछ ना कुछ पानी वाला या कोई जूस वाली चीज अपने पास पॉकेट में रखो कोई बात नहीं दस बीस रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया कहीं काम पे जा रहे हो कहीं बाहर जा रहे हो वैसे तो जाओ मत जा रहे हो जरूरी है जाना तो प्लीज अपने पास कुछ मीठा रखो कुछ ठंडा पीने के लिए रखो जिससे आपको वो प्रॉब्लम ना आए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पेशली मेरी बहनों के लिए है ये कि जो एक मिनट मेरे पास अभी नहीं है अगर आपके पास कुछ है ऐसा जो स्प्रे वाला होता है लेट मी फाइंड आई डोंट नो अभी नहीं है मेरे पास मेरे पास होता ना हमेशा मैं वही कुछ स्प्रे करती रहती हूँ अभी सॉरी मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी इसलिए मुझे मिल नहीं रहा वेटर सेकंड मुझे ढूंढने दो मिल गया ये वाली स्प्रे कोई भी अपनी स्प्रे बॉटल में पानी भर लो उसमें कोई रोज वाटर डाल लो उसमें एलोवेरा डालो कुछ भी डाल लो अपने सारा दिन अपने फेस पे उसको स्प्रे करते रहो फेस क्लीन करने का कोई फायदा नहीं बार पे पसीना आएगा सो बेटर अच्छे से एक बार मुंह धो लिया फिर दो बार धो लो तीन बार धो लो कि अब ये दो तीन दिनों के लिए स्पेशली बता रही हूँ रूटीन कुछ मत अप्लाई करो ऑयल लगाते हो ठीक है अभी तीन दिन मैं नहीं लगा रही हूँ ऑयल एलोवेरा से अगर काम चल जाता है तो चलाओ नहीं तो फेस मिस्ट में हल्का सा दो तीन ड्रॉप्स ऑयल की डाल लो अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है पानी में दो चार ड्रॉप्स डालो हल्के से ग्लिसरीन डालो रोज वाटर डालो और सारा दिन ऐसे स्प्रे करते रहो वही मॉइस्चराइजर है कोई क्रीम मत लगाओ कुछ भी मत करो सिंपल मूव होकर जितना अपने आप को लाइट रखो उतना बेटर है कॉटन के कपड़े ही पहनो ये तीन दिन क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही हूं पे जिसको बोलते बॉडी एग्ने छोटे चो, छोटे वो चुप चुपती गर्मी वाली नहीं होती जब वो चुपती जलती गर्मी का मौसम आया ये कुछ दिन अगले जो हैं 22 23 24 25 जून तक ये दिन कॉटन के कपड़े पहनो जितने लूज कपड़े पहन सको उतना बेटर है जितना अपने बालों को टाई करके बंद करके रख सको उतना बेटर है चाहे अगर आपके पास घर में ए है और सारा दिन ए सी में, में बैठे हो तो तुम भाई बहुत लकी हो मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ आप वीडियो आगे कर लो जिनके पास ए सी है मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनके पास ए नहीं है या जिनको यू नो प्रॉब्लम अभी वो कूलर भी नहीं है जिनके घर में जो सिर्फ पंखे के साथ रहते हैं या कूलर है लेकिन फिर भी बहुत गर्मी लग रही है इवन कई लोगों के पास एसी होता है फिर भी बहुत गर्मी लगती है तो आप देख सकते हो <laughs> मैं तो चलो इसलिए पंखा ए चला रही है अभी क्योंकि वीडियो के लिए मुझे मतलब बात करनी होती है तो वो आवाज डिस्टर्ब होती है सो तो एक ये चीज एक पीते रहो दही लस्सी एक हमेशा अपने पास एक फेस स्प्रे खुद बना के रखो अपनी ठीक है और आपको लास्ट चीज बिल्कुल भी कोई हैवी खाना मत खाओ मेरी रिक्वेस्ट है अदरक लहसुन का तड़का मत लगाओ कुछ दिन लाइट खिचड़ी दलिया ऐसी चीजें खाओ टींडे होते हैं वो हो गए है ना ऐसी लाइट लाइट चीजें खाओ जो कद्दू की सब्जी होती है टीडे की सब्जी होती है ऐसी वाली लाइट लाइट सब्जियां खाओ जो बिल्कुल यू नो इजी टू डाइजेस्ट है कोई भी चीज हैवी मत खाओ नॉनवेज थोड़े दिन अवॉइड करो मतलब आई नो इट्स डिफिकल्ट कई बार कुछ ऑर्डर किया जाता है खाया जाता है लेकिन अगर आप अवॉइड कर सको तो कुछ दिन थोड़ी लाइट चीज दाल पे थोड़ा जोर दो सैलेड्स तक रखो अपने आप को कम खाना इज बेटर फॉर फ्यू डेज क्योंकि आप देख सकते हो ये पसीना है This, oh, <laughs> बजीना। तो ये आने वाले कुछ दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा कहर वाले होने वाले हैं जितना हो सके अगर तुम्हारे पास ठंडी पानी की बॉटल्स तुम खरीद के गरीब लोगों को दे सकते हो अपने घर के आसपास तो प्लीज ट्राई करो कि यू नो जो बाहर बैठे होते धूप में होते जो रिक्शे वाले होते हैं उनको रोक के अगर तुम जूस की बॉटल या कुछ खाने के ब्रेड या सैंडविच अपने घर पर ही बना के उनको है ना कुछ दे सकते हो तो बेटर है क्योंकि ये दिन इतने मुश्किल है आम बंदा कोई बाहर जाएगा नहीं दिहाड़ी वाले लोगों की इनकम नहीं होगी तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल टाइम है इतनी मेंटल स्ट्रेस आएगी इस टाइम पे हम जैसे लोग मुझे देख लो कितना मतलब आ, कितना आप देख सकते हो आई होप कितना पसीना है तो इतना हैवी टाइम है हम सबके लिए इसमें बेटर है कि एक दूसरे का साथ दें और मैं भी बहुत देर से बोलूँ मैं भी कम बोलू धीरे बोलू मैं ऊंची इसलिए बोल रही रूँ क्योंकि बाहर गाने लगे हुए हैं किचन में भी शोर मच रहा है तो मैंने सोचा आपको फटाफट से एक वीडियो बना के बता दूं कि अगले कुछ दिन बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं हम लोग आराम से शांति से बिना गुस्सा किए बिना लड़ाई किए हंसते हंसते कुछ दिन निकालने एक बार ये दिन निकल गए ना थोड़ा सा मानसून शुरू हो जाएगा तो वो आसान होगा निकालना लेकिन ये दिन बहुत मुश्किल से निकलने हैं तो आइए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आराम से धीरे धीरे इस टाइम से निकलते हैं पानी पीते हैं ज्यादा दही और लस्सी और छाछ पे ज्यादा जोर देते हैं ठीक है पिये बच्चों को जरूर रोके उनको खेलने जाने मत देने जी छत पे मत जाओ कपड़े सूखने डालने थोड़े छाव में डालो कोई बात नहीं लेट सूख जाएंगे ज्यादा धूप में ज्यादा देर मत खड़े रहो अपने पापा को अपने भाइयों को अपने बेटों को कुछ ठंडा जरूर दें कोई वो थर्मस वाली जो होती है ठंडे वाली बॉटल्स वो दें उसमें आइस डाल के पानी भेजें ताकि यू नो बॉडी में ना डिहाइड्रेशन हो ना हीट स्ट्रोक हो ये दोनों चीजें होती हैं अगर हम गर्मी का ख्याल नहीं आप देख रहे हो कैसे लाइक मैं सिर्फ अपने घर के अंदर खड़ी हूँ और देखो जैसे चार ड्रॉप्स पानी के और अगर ये तो सिर्फ पांच छह मिनट की वीडियो है जो लोग बाहर काम कर रहे होंगे उनको सारा दिन चौबीस चौबीस घंटे बाहर खड़े रहना होगा उनकी बॉडी का क्या हाल हो रहा होगा सो आई होप आपको समझ आ गया मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ मुंह भी सूखता है बार बार तो सोल्यूट पीने जरूरी है घर पे ओ आर एस अभी मेडिकल वाले से मंगवा के रख लो अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है कोई कमजोर है बच्चा या कोई आप आप लड़की हैं कोई यंग लड़की हैं उनको जल्दी चक्कर आ जाते हैं या बीपी लो रहता है तो ओ आर एस के चार पांच पैकेट घर पे मंगवा के रखो उसको पता आपको पता होना चाहिए कैसे पीना है पूरी एक लीटर पानी की बॉटल जो होती है उसको पहले उबालना है पानी को फिर ठंडा करना है एक लीटर जग में या बोतल में रख लेना है उसमें पूरा पैकेट घोल के ठंडा होने के बाद पानी को फिर वो सारा दिन थोड़ा थोड़ा एक एक घुट करके पिलाना है जिसको भी डिहाइड्रेशन हो जाए अगर चक्कर आ जाए आ, पानी कम होने से शरीर में अगर पानी कम है कैसे पता लगता है शरीर से पानी कम है अगर यूरिन बहुत कम आ रहा है दिन में अगर तुम तीन चार बार जाते थे और अगर अब एक बार भी नहीं आ रहा और आ भी रहा है तो सिर्फ कुछ ड्रॉप अगर ये होता है स्किन ड्राई है बोला नहीं जा रहा है जबान के अंदर बिल्कुल सूख चुकी है आईज अंदर को घुस चुकी है तो एकदम चक्कर खा के गिर तुम्हारा बीपी लो है तो प्लीज आपको उसी वक्त लेकर आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाएगी तो उसी वक्त आपको या तो डॉक्टर के पास जाना नहीं जा सकते ओ आर एस दो ठंडा पानी पियो उसी वक्त छाओ में बैठो ठीक है एकदम से अभी मैं गर्मी में हूँ एकदम से एसी में मत जाओ गर्मी से उससे भी बुखार होगा मैं कुछ स्टेप्स दे रही हूँ आप लोगों को ताकि यू नो ये गर्मी वाले दिन आपके अच्छे से गुजरे क्योंकि मुझे पता है कि हम गलतियां कर बैठते हैं और फिर वो कितनी कितनी देर हमारी प्रॉब्लम बढ़ती रहती है तो सावन आने वाला है सावन की वेट करते हैं अच्छे से लेकिन ये कुछ वक्त हम थोड़ा धीरज से अच्छे से गुजार लेते हैं अपने रिश्तेदारों को भी ये बातें बताओ अपने फ्रेंड्स को ये बातें समझाओ उनको बताओ ताकि ये कुछ जो दिन है आज 20 जून है शायद 20 इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस तक ये कुछ एक हफ्ता जो है डिफिकल्ट होने वाला है तो लेट्स स्टे विथ ईच अदर कम से कम गलतियां करें कम से कम अपनी हेल्थ के साथ पंगे लिए मैंगो बंद कर दो पांच छह दिन मैंगो मत खाओ वो गर्म होता है गर्म किसी थी वाली चीजों थो से थोड़ा दूर रहो और अपने आप को थोड़ा मतलब हमें अच्छा लाइट खा के ठंडा ही रखो ठंडा दिमाग रहेगा ठंडी बॉडी रहेगी यू you नो know, रिलैक्स रहो दिन में अगर दो बार नहाना पड़ता दो बार नहाओ तीन बार नहाना पड़ता तीन बार नहाओ पर शुक्र करो एंड मैं यही एक चीज बोलना चाहूंगी बार बार कि अभी देखो इचिंग हो रही है बहुत लोगों को ये चीज होने वाली पाउडर मत लगाओ आप सोचो पाउडर लगाना चाहिए पाउडर नहीं लगाना है पसीना आएगा आने दो कॉटन के कपड़े पहनो दो बार तीन बार नहा लो पाउडर से वो सिर्फ जमता है कोई फायदा नहीं होने वाला ये हफ्ता नहीं फायदा होना उसके बाद चाहे लगा लो ये जो गर्मी है ना ये अंदर खड़ी खड़ी कैसे मुझे लिटरली बेक कर रही है एग्जॉस्ट कर रही है तो आपको इसमें से नहीं करना और लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज टाइम निकाल के भगवान जी का शुक्र अदा करो सच्ची लाइक वाहू जी का शुक्र करो यू नो अल्लाह जी का शुक्र करो और राम जी का शुक्र करो कि हमारे पास छत है हमारे पास कपड़े हमारे पास पानी है पीने का अलग नहाने का अलग हम बहुत लोगों से बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और ये वक्त हम मतलब एक तो चलो जो हो रहा है वो जो सोसाइटी में आजकल ऑलरेडी वो वायरस की वजह से पंगा चल रहा है वो तो चलो है ही है ऊपर से गर्मी के दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाले हैं बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को भी हमें स्ट्रेस दे सकते हैं सो तो इसलिए प्लीज यू नो थैंक्स करो भगवान जी के हमारे पास फैसिलिटीज हैं कि हम यू नो अपने आपको सेफ रख सकते हैं अपने आपको बेटर सकते हैं ठंडा रख सकते हैं सो प्लीज आई होप आपको समझ आ गया हो कि हम सबको थैंक्स करना चाहिए एंड पिछली वीडियो में बहुत लोगों को मेरी हक बहुत अच्छी लगी थी तो आज गर्मी और पसीने वाली भी हक वैसे मेरे को देनी नहीं चाहिए वैसे प्यार से आज वैसे मतलब आप समझ गई होगी मैं आपको प्यार के उस तरीके से बोलती आज हक करो तो आज पसीना है आज आपको प्रॉपर हक नहीं देंगे आज हम आपको दुपट्टा पहन के हक देंगे आज 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 आ जाओ अब सबको हक दे के अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक प्लीज ठंडे रहो ठंडे रहो ओके <laughs> okay.